साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आज मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैशन जगत के साथियों से भी एक बात कहूंगा। आज जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तब हमें अपनी सोच और काम का दायरा भी बढ़ाना होगा। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबका प्रयास जरूरी है। श्रमिक हो, बुनकर हो, डिजाइनर हो या इंडस्ट्री, सबको एक निष्ठ प्रयास करने होंगे। आप भारत के बुनकरों की स्किल को स्केल से जोड़िए, आप भारत के बुनकरों की स्किल को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। आज हम भारत में एक न्यू मिडिल क्लास का उदय होता देख रहे हैं। हर प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा युवा कंज्यूमर वर्ग भारत में बन रहा है। ये निश्चित रूप से भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए इन कंपनियों का भी दायित्व है कि वो स्थानीय सप्लाई चेन को सशक्त करें, उस पर इन्वेस्ट करें। बाहर बना बनाया उपलब्ध है तो उसे इंपोर्ट करो, ये अप्रोच आज जब हम महात्मा गांधी के कामों का स्मरण करते हुए बैठे हैं तो फिर से एक बार मन को हिलाना होगा, मन को संकल्पित करना होगा कि बाहर से लाला करके गुजारा करना ये रास्ता उचित नहीं है। इस सेक्टर के महारथी ये बहाने नहीं बना सकते कि इतनी जल्दी कैसे होगा, इतनी तेजी से लोकल सप्लाई चेन कैसे तैयार होगी। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा, दुनिया के पहले 3 में भारत को जगह दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा। और भावात्मक पहलू की ओर देखें तो इसी रास्ते पर चलकर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा कर पाएंगे, स्वदेशी के सपने को साकार कर पाएंगे।